फॉर द पीपल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय आमदार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. ही राष्ट्रीय आमदार परिषद पार पडते आहे, याच अनुषंगाने आपण विविध राज्यातील आमदारांशी संवाद साधतो आहोत. माझ्यासोबत उत्तर प्रदेशचे आमदार विपुल दुबे आहेत, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूयात. फॉर द पीपल न्यूज में आपका स्वागत है. सर, आप उत्तर प्रदेश के किस चुनाव क्षेत्र से है? मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा से विधायक हूं, और भदोही जिला जो कारपेट एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, वहां की कालीने भारत की संसद की शोभा बढ़ाती हैं. राहुल कराड़ सर जी का ये जो विजन है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? राहुल कराड़ जी जो का विजन है, जो उनके सोशल वर्क हैं, ये अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय है. और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे, अभी हम लोग शाम को बैठते हैं, अलग अलग राज्यों के MLAs, अलग अलग राज्यों के MPs, सभी लोगों के बीच अपना इंटरेक्शन बढ़ता है, संवाद बढ़ता है, तो उसका इस देश में एक असर होगा. और देश का नौजवान जो यहाँ पे MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में जो पॉलिटिक्स की शिक्षा दी जा रही है, कैसे इस देश के राजनीति में पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों का भागीदारी बढ़े, तो उस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम राहुल कराड़ जी का. सर, ये जो विधायक परिषद है, ये आपके लिए और आपके चुनाव क्षेत्र के लिए किस तरह से यूजफुल रहेगी? अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिलना हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अनुभव इस कार्यक्रम के जरिए मिले, तो निश्चित तौर पर जब आप एक वृहद लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर जब कोई कार्यक्रम चलते हैं और लोगों से बातचीत होती है, उनके अनुभव हमारे यहाँ क्या हो सकता है, उनके यहाँ क्या चल रहा है, ये चीज़ें जब आपस में समाहित होती हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है. बहुत बहुत आभारी हूँ फॉर द पीपल न्यूज से बातचीत करने के लिए. कैमरामन रोहित वनकट्टे, सोबत मी माधुरी कुमकर, फॉर द पीपल न्यूज, पुणे.